हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर मैं राजेश कुमार सोनकर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। वेलकम फॉर माई ठीक है यूट्यूब चैनल। देखिए अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो वेलकम फॉर दिस। ठीक है आज हम आपको देखिए कुछ जितने इंग्लिश के जितने मॉडर्न पेपर है उनसे तैयारी करवाने का करवा रहे हैं। अगर आपको नरेशन नहीं आता, सिंथेसिस नहीं आता, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है तो कोई शर्म की बात नहीं है। आप मेरे साथ लगे रहिए, आपको पक्का हम सिखा देंगे। देखिए बात में ज्यादा नहीं करेंगे, आज हम आपको नरेशन सिखाते हैं। थोड़ी प्रॉब्लम हमको ये है भाई, हमारा गला थोड़ा खराब है, इसके लिए आप लोग मतलब ये हमको कुछ मत कहिएगा। देखिए फिर भी है आपको हम सिखा रहे हैं, देखिए हम आपसे कुछ तो ले रहे हैं। लेकिन नरेशन में सबसे पहले हम आपको ये सिखाते हैं कौन सा सिंपल सेंटेंस या इंफॉर्मेटिव सेंटेंस। देखिए कौन सा सिखाते हैं, सिंपल सेंटेंस। ठीक है सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में देखिए आपको सेंटेंस दे रहा है उसी के माध्यम से आप सीखेंगे तभी आपको जल्दी से आएगा। देखिए क्वेश्चन आपका रहेगा ही सेज टू मी, ही सेज टू मी कामा इनवर्टेड कामा, आई एम ए बॉय, आई आई एम ए बॉय। ठीक है देखिए दोस्तों आपको सबसे इसमें दो चीज आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक तो प्रोनाउन देखिए आना चाहिए, आई माई मी वी आवर अस। प्रोनाउन आपको लिए अगर नहीं याद हो तो किसी किताब से उठा के ले लीजिए। वैसे प्रोनाउन बहुत आसान है, देखिए प्रोनाउन इजी बोलते हैं आई माई मी। ठीक है देखिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यही है आई माई मी वी आवर अस, वी आवर अस। देखिए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार बदलिएगा। देखिए सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कौन सा है, देखिए एक मिनट में बता दे रहे यू योर यू। ठीक है ये जो खाली सेकंड पर्सन प्रोनाउन देखिए ये होता है। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन देखिए क्या है, ही सी इट देखिए दे। ये देखो चार जो चार है आपके ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। ठीक है तो ही इज हिम, ही इज हिम, सी हर हर, इट इट्स इट देखिए। ठीक है दे दियर देम। ठीक है तो आपको हमें मेरी कहने का मतलब ये है कोई भी नरेशन पूरे नरेशन में जैसे सिंपल हो, इंट्रोगेटिव हो, इंपरेटिव हो, ऑब्जेक्टिव कोई भी रहेगा प्रोनाउन हर जगह बदलेगा। इसकी जो ट्रिक है देखिए ये सन बटा 123 है। सन बटा 123 का मतलब ये हुआ कि आई और वी जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन वो सब्जेक्ट के काबिल बदलेंगे। देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका देखिए ऑब्जेक्ट है। ठीक है और सेकंड पर्सन जो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो देसी भाषा समझ लीजिए, अगर आई भी है तो आपको यहाँ से बदलना पड़ेगा। अगर यू अगर यहाँ लिखा है तो यहाँ से बदलना पड़ेगा। इसमें देखिए कोई नहीं, आप इधर परिवर्तन कीजिएगा। ठीक अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, एक चार्ट और बचा है उस चार्ट को भी आप थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा। देखिए अगर कई सेंटेंस में आपको हियर मिल रहा है, क्या मिल रहा है देखिए नंबर एक, अगर हियर मिले तो आप इसको देर में बदल दीजिएगा। किस में बदलेंगे, देर मिलेगा। नाउ मिले तो दे में बदल दीजिएगा, नाउ का दे में बदल दीजिएगा। ठीक है टुडे मिले टी ओ डी ए वाई, टुडे मिले तो दैट डे बदल दीजिएगा, किसमें दैट डे में। ठीक है ऐसे देखिए स्टार्डे है वाई ई एस टी ई आर टी ए वाई, अगर स्टार्डे आपका है तो द प्रीवियस डे में बदल दीजिएगा। किस में बदलेंगे, प्रीवियस पी आर ई वी आई ओ एस प्रीवियस डे में बदल दीजिएगा। ठीक है अगर आपको टुमारो मिल रहा है टी ओ एम ओ डबल आर ओ डब्ल्यू टुमारो मिल रहा है द नेक्स्ट डे में बदल दीजिएगा। किस में बदलेंगे, द नेक्स्ट डे में बदल दीजिएगा। ठीक है देखिए अगर एगो मिलता है ए जी ओ एगो मिलता है तो बिफोर में बदल दीजिएगा, बिफोर में। और देखिए और भी कम है, अगर कम आता है तो गो में बदल दीजिएगा। देखिए इस तरह है, आपको अगर आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है मतलब नहीं समझ में आ रहा तो आप एक्सेल की किताब कोई किताब लेकर उसमें से थोड़ा सा हेल्प लेकर उसमें चार्ट बना हुआ है एक्सेल कोई भी आपसे आप ले लीजिए कोई भी गाइड उसमें ये चार्ट बना और उसको लिख लेंगे तो अच्छा है। क्योंकि इसको प्रोनाउन बदलना बहुत जरूरी है, इसलिए हम ज़्यादा बीबिंग बड़ा नहीं करेंगे, थोड़ा जल्दी सिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए देखिए अब क्या करना हमको है, देखिए ही सेज टू मी, कहीं अगर आपको ये सेज मिल रहा है, सेज अगर मिल रहा है तो आप इसको टेल्स में बदल दीजिएगा। किस में बदल देंगे, टेल्स में बदल दीजिएगा। देखिए मी उतार दीजिएगा यहाँ और ही इधर देखिए उतर गया, कामा हटा कर यहाँ दैट लगा दीजिए, तो सीधा सीधा कामा हटा कर दैट लगा दीजिए। देखिए आई को आगे बदल दीजिए, आगे ही है
जो आगे रहेगा वही लिख दीजिए ही, और इसको मत बदलिए, बस इसको प्रभुता लीजिए, ही प्रभुता लीजिए, बस काम आपका हो गया। अगर यही चीज देखिए इस तरह आता है, मान लीजिए इस तरह अगर आता है, देखिए इसको मिटा रहे हैं, देखिए इस तरह अगर मान लीजिए इस तरह आता है, देखिए हटाइए इसको, हटाते हैं, देखिए अगर मान लीजिए आपका ये आ जाता है, ठीक है, देखिए इसमें मान लीजिए खाली इतना वर्ड आता है, देखिए अलग एक सेंटेंस आपको बना देते हैं, ही सेज, खाली ही सेज कामेल का आई एम बॉय, टू मी हट नहीं रहे, जब टू मी न रहे तो आप इसी को उतार लीजिए, तब सीधा सीधा ही सेज, सेज इसे उतार लीजिए, कामा हटाकर आप दैट लगा दीजिए, कामा हटाकर दैट लगा दीजिए, आई को आगे बदल दीजिए, ही के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, ही वाज ए बॉय, सॉरी सॉरी वाज नहीं रहेगा इधर, क्योंकि इधर नहीं बदला, ही इज ए बॉय, इधर उतार लीजिए, देखिए आपका हो गया, ठीक। देखिए एक चीज हो गया, दूसरी चीजें हम आपको देखिए दिखाते हैं। अब अगला का सेंटेंस देखिए, मान लीजिए आपका इस तरह अगर आ जाता है कि he is saying कामा इन्वर्टेड कामा, he is saying आ गया, तो आपको कुछ नहीं करना है सेंटेंस में, देखिए आपको क्या करना, इसको पूरा उतार लीजिए, इसको पूरा उतारते हुए जहां कामा है वहां आप दैट लगा दीजिए, और फिर जहां ही है, जहां आई है आई को बदल के यहाँ ही लगाइए, यहाँ ही लगाइए, पूरा उतार लीजिए, आपका सेंटेंस पूरा हो गया। मान लीजिए अगर यहाँ सेइंग के साथ टू मी लगा हुआ है तो टेलिंग लगा दीजिएगा, बस इतना ध्यान दीजिएगा, अगर अगर आपको मिलता है टू मी, जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ का टू मी, अगर टू मी है तो इस जो ये टू इतना बदल जाता है, तो सेइंग किस में चला जाएगा, टेलिंग में चला जाएगा, किसमें चला जाएगा, टेलिंग, और यहाँ मी उतार लीजिए, अब पूरा इधर क्या होगा, पूरा इधर उतार लीजिए, कामा हटा देता है, पूरा इधर कुछ करना ही नहीं है, ठीक। अब देखिए अगला सेंटेंस आपको बताते हैं किस तरह, देखिए करते जाइए। देखिए मान लीजिए अगर यहाँ पर आपको हैड लग गया, हैड सेट आ गया, हैड सेट, तो भी आपको कुछ नहीं करना, पूरा देखिए ऐसे पूरा उतार लीजिए, कामा हटा इधर पूरा उतार लीजिए, तो आप कभी भी घबराइएगा मत, एकदम इसी तरह आप करते हुए आगे बढ़िए। अब हम देखिए आगे आपको बढ़ाते, मान लीजिए आपको इस तरह सेंटेंस आ रहा है, देखिए इस तरह अगर यहाँ पर केवल खाली सेट आ रहा है, क्या आ रहा है, सेट, सेट टू मी अगर आ रहा है इस तरह, अब देखिए भयंकर परिवर्तन होगा, सब कुछ बदल जाएगा, ये जहां सेट आया, सेट पहले कुछ नहीं होना चाहिए, सेट आया ये परिवर्तन हो गया, तो ही देखिए जो सेट टू किस में बदल जाएगा, देखिए इतना चीज आपको बदलने के ध्यान दीजिएगा, सेट टू किस में बदल जाएगा, टोल्ड में, ही टोल्ड मी कामा हटा के देखिए यहां दैट, देखिए आई आगे बदल दीजिए, ही देखिए इस बार वाज में चले जाएंगे, वाज के बॉय उतर जाएगा, ठीक। देखिए इस तरह आप सेंटेंस करेंगे, और देखिए सेंटेंस दिखाते हैं। देखिए मान लीजिए अगर दे सेट कामा इन्वर्टेड कामा, they said you are a man here, ठीक है, you are a man here, अगर इस तरह आपको अगर आता है तो आप क्या करेंगे, देखिए तो आप लिखेंगे they, देखिए set नहीं बदला क्योंकि two इसके साथ नहीं है, जब set तभी बदलाएगा जब इसके साथ two रहेगा, तो they said, ठीक है, देखिए सिंपल में हमेशा ध्यान दीजिए कामा हटाकर दैट लगता है, ये दैट लग जाएगा, देखिए यू पीछे बदल देते हैं कुछ है ही नहीं तो यू उतार लेंगे, ठीक है। अब देखिए इज एम आर किस में जाता है, वाज वेयर, यू बहुवचन यहां वाज हो जाएगा, ऐसे पूरा उतार लीजिए, देखिए आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां एक चीज बदल देगा, हियर का देखिए दियर बदल जाएगा, देखिए दियर ए मैन, देखिए पूरा लिख दे यू आर ए मैन दियर, देखिए आपका ये सेंटेंस पूरा हो गया, ठीक है। इस तरह आप प्रैक्टिस करिए आपको सब आ जाएगा, ठीक, समझ में आ रहा नहीं आ रहा ना, चलिए देखिए आगे मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ी नए नए सेंटेंस को आप देते हैं, जैसे एक जॉब में आने की जिसकी अधिक चांसेस होते हैं, एग्जाम। देखिए दोस्तों अब आगे चलते हैं, देखिए इस तरह देख सकते हैं, दे सेड सर द टाइम इज ओवर, ठीक है, द टाइम इज ओवर। अब देखिए इसमें देखिए बहुत इंटरेस्टिंग, देखिए इस तरह सर आ गया, तो सर वाला सेंटेंस किसमें जाता है, रिस्पेक्टफुली में, तो आप करेंगे कैसे, देखिए दे सेड आप लिखेंगे यहाँ आंसर, देखिए आंसर क्या लिखेंगे, दे सेड सर किसमें जाएगा, रेस्पेक्टफुली में, तो आर ई एस पी ई सी टी, देखिए रेस्पेक्ट, ठीक, रेस्पेक्टफुली, एफ यू
WLY देखिए दे से रिस्पेक्टफुली अब कामा हटा क्या लगाया है देखिए दैट दैट द टाइम इज क्या लिखेंगे द टाइम देखिए इज इसमें जाएगा वाज ओवर देखिए ये सेंटेंस आपका हो गया। अगर यहाँ पर देखिए सर या मैडम आए सर या मैडम आए तो आपका रिस्पेक्टफुली में जाएगा देखिए आप अच्छी तरह से जान लीजिए ठीक कि नहीं समझे। इस तरह का एक सेंटेंस और देते हैं जैसे मान लीजिए अगर आपका इस तरह आता है क्वेश्चन नंबर टू देखिए सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा गुड मॉर्निंग देखिए इस तरह आ जाता है गुड मॉर्निंग देखिए क्या करेंगे गुड मॉर्निंग सर डेविड क्या लिखेंगे सर डेविड डी ए वी आई डी गुड मॉर्निंग देखिए सर डेविड जब इस तरह का आ जाएगा तो आप कैसे करेंगे देखिए गुड मॉर्निंग है इसका आंसर किस लिखेंगे सी देखिए गुड मॉर्निंग आपको ग्रीटेड कर रहा है सी ग्रीटेड जी आर डबल ई टी ई डी देखिए सी देखिए गुड मॉर्निंग की वजह से ग्रीटेड चल रहा है सी ग्रीटेड देखिए इतना उतार लीजिए सर डेविड डी ए वी आई डी देखिए सी ग्रीटेड सर डेविड देखिए इस तरह अगर आप कोई भी सेंटेंस आप करेंगे तो आपका देखिए इस तरह के सेंटेंस आपका हो जाएगा। देखिए ये सब स्टैंडर्ड कभी कभी लड़के इसमें फंस जाते हैं इसलिए देखिए दो तीन चीज में आप कभी परिवर्तन करेगा इनवर्सल ट्रूथ हैबिचुअल एक्शन ये सब चीजें आप परिवर्तित मत करिएगा। अब देखिए हम आपको अभ्यास के लिए ऐसे ही सेंटेंस आपको दे रहे हैं आप जब अभ्यास करेंगे तभी आपको आएगा। देखिए आपको पूरा दिखाई दे रहा सवाल है ना ठीक अगर आपको दिखाई दे रहा है ठीक है नहीं कोई बात ही नहीं है। चलिए देखिए हम आगे बढ़ते हैं देखिए हेलो दोस्तों देखिए अब आपके प्रैक्टिस के लिए हमने इतने क्वेश्चन सेट कर दिए हैं। देखिए क्वेश्चन जो है वो आपको हम दिखा देते हैं सिंपल सेंटेंस में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी सीखेंगे। देखिए सी सेज आई एम एन हॉनेस्ट मैन दूसरा क्या सी सेज टू मी You have done your work. देखिए तीसरा क्या I say to them, You are a genius, my sister. देखिए चौथा क्या She said, My wife was making lunch when I was studying. ठीक है देखिए इस तरह ने क्वेश्चन बना बना सेट कर दिया है। देखिए अगला देखिए The people said to teacher, Thank you, कामा sir, कामा for your help. अगला देखिए ही हैज सेड दिस इज माई बुक अगला देखिए यू सेड आई रोट ए लेटर टूडे हियर अगला देखिए आई सेड टू राधा कॉमन लड़का सी कैन टीच मी इंग्लिश नाउ अगला देखिए राम सेड टू हर दे विल ईट ए फूड ए वो अगला देखिए मोहन सेड टू अस यू राइट ए लेटर हियर। देखिए इतने क्वेश्चन हमने आपको दे दिए हैं अगर आपको न दिखाई दे रहा है देखिए थोड़ा हम बड़ा कर दे रहे हैं ताकि आपको दिखाई दे जाए। देखिए देख ध्यान देखिए आपको दिखाई दे रहा है नहीं एकदम अच्छे से देखिए दिखाई दे रहा है बड़े बड़े देखिए बड़े बड़े ठीक है देखिए आपको दिखाई दे रहा है तो ठीक है नहीं कोई बात ही नहीं है। देखिए सब क्वेश्चन आपको दिखाई दिया नहीं नहीं समझ पा रहा चलिए आपको देखो वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए हम बड़ा नहीं करेंगे बड़ा बड़ा करते हुए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब आप टेस्ट देंगे तभी सीखेंगे। टेस्ट देने के बाद आप कमेंट में हमको बताइए कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है आ रहा है तो हम आपको बताते जाएंगे ठीक है। अगर आप मेरे वीडियो में देख रहे हैं अच्छा लग रहा है तो हमें बड़ी अच्छी खुशी है हमारा मेहनत बेकार नहीं जा रहा है ठीक है। आप मेरे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पुराने कोई बात ही नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।